Petitioner number 1, 2, and 3 has purchased the land. Respondent number 5 and respondent number 4 purchased the land. Respondent number 6. Thereafter, I filed the mutation application before the Tehsildar. Tehsildar ne ye kaha ki hamari kharij kar di applications ki collect. Meanwhile, the land has been acquired. Respondent number 4, the same village. उसपे कलेक्टर साहब का ऑर्डर होगा कि इन विलेज की संपत्तियों का नामांतरण न किया जाए, उस आधार पर हमारा खारिज कर दिया। देन आई रेज द ऑब्जेक्शन बिफोर द कलेक्टर दैट देयर आर टू द कलेक्टर हैज पास एन ऑर्डर दैट इज ऑन पेज नंबर 49 P8। उसमें उन्होंने कह दिया कि भू अर्जन कार्यालय आदेश दिनांक इतना इतना दिनांक 20/10/21 के आदेश की लाइट में नामांतरण रोकने की बात कही थी। ग्राम सोएंसो जिस जहाँ की हमारी जमीन है, ऐसी भूमियां प्रतिबंध आदेश दिनांक के पूर्व ही भूमियां क्रय की गई थी, जिसके संबंध में आवेदक गण द्वारा नामांतरण हेतु कब हुआ है? ये है 12/10/21। हमने लैंड परचेज की है 19 में और 20 में। नहीं, 12/10/21 तो कलेक्टर का ऑर्डर। हाँ, कलेक्टर ही का ऑर्डर था। कलेक्टर ने कहा कि नोटिफिकेशन कब का है, लैंड एक्वायर हो गई है इसलिए इनके नामांतरण न किए जाए। एक्वायर हो गई है या नोटिफिकेशन हो गई? नहीं नहीं, एक्वायर हो गई है। एक्वायर हो गई तो नोटिफिकेशन की डेट क्या है? नोटिफिकेशन यू कैन नॉट डू ट्रांजेक्शन। नहीं, मगर जो नोटिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट है, वो सब हमारे रजिस्ट्रीज के बाद का है। कलेक्टर साहब ने साफ लिखा है, उपयुक्तानुसार प्रतिबंध के पूर्व निष्पादित किए गए विक्रय विलेख रजिस्ट्रियों को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा डेट ऑफ नोटिफिकेशन। सर, इसमें स्पेसिफाई किया कलेक्टर साहब ने, इसके बाद सुधार संशोधित आदेश किया है। और ऑर्डर बताइए, वेयर इज ऑर्डर? पेज नंबर 49 P8, संशोधित आदेश। यस, जिसमें लिखा उपयुक्त अनुसार प्रतिबंध के पूर्व निष्पादित किए गए विक्रय विलेख, प्रतिबंध दिनांक है 22/10/21, इससे प्रतिबंध लगाया गया था। यदि इसके पहले के जो रजिस्ट्रियां हैं उसमें कलेक्टर साहब ने कह दिया कि 100 में 110 के प्रावधानों के तहत 22/10/21 के पूर्व के नामांतरण की अनुमति दिया जाता है, शेष आदेश यथावत रहेगा। तो हमारा निवेदन है कि निर्देश के साथ डिसाइड कर दे तहसीलदार महोदय को, हम फ्रेश एप्लीकेशन लगाए 100 में 110 की। ही विल डिसाइड इन द लाइट ऑफ एनेक्सर P8। नोटिफिकेशन मगर माय रेंडर्ड फ्रेंडर्स इन इट इज वेरी क्लियर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम P8। नोटिफिकेशन इज देयर मैडम, संशोधित आदेश। हाँ सर, दिस इज P7। पेज नंबर 49। हाँ, ये P7 है आपका। हमारी इस पर गलत लिख गया सर, सॉरी। 49 नंबर में इस पर कलेक्टर साहब ने क्लेरिफाई कर दिया कि जो रजिस्ट्रियां हमारे प्रतिबंध आदेश के पूर्व की है उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, उनके नामांतरण किए जा सकते। आपकी कब की है? 19 और 20 हमने फाइल किए हैं। ठीक है, लेट कलेक्टर डिसाइड, तहसीलदार विल डिसाइड। हम फिर से तहसीलदार तो फिर लैप्स हो जाएगा अगर आपका 13 का भी एक्वायर। नहीं, 13 का नहीं है, इसका है 13 अगस्त 2020 का है। 13 अगस्त 2020 लैंड हैज नॉट बीन एक्वायर्ड। ये P2 में है सर, दैट हैज बीन एक्वायर्ड। हमारी रजिस्ट्रिया उसके पहले की है। 19/11/19 पिटिशनर हैज फाइल्ड दिस पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेकिंग अ प्रेयर टू इशू डायरेक्शन नायब तहसीलदार ऑब्लिक तहसीलदार फॉर कंसीडरिंग हिज नायब तहसीलदार करते हैं। रिस्पोंडेंट नंबर 3 मिला, कंसीडरिंग हिज एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन, इट इज सबमिटेड दैट पिटिशनर हैज परचेज द लैंड ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन पास बाय कलेक्टर केम इनटू ऑपरेशन, पोस्ट ऑफ कट ऑफ डेट फॉर प्रोहिबिशन इज 13 अगस्त 2020 22/10/21, पोस्ट ऑफ देयर इज नो प्रोहिबिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच हैज टेकन प्लेस प्रायर टू सेट डेट, इन व्यू ऑफ सेम इट इज सबमिटेड दैट पिटिशनर हैज परचेज द लैंड बिफोर सेट कट ऑफ डेट, नायब तहसीलदार बी ऑर्डर टू कंसीडर हिज एप्लीकेशन फॉर म्यूटेशन, स्टॉप, गवर्नमेंट एडवोकेट सबमिटेड दैट ऑर्डर ऑफ अपर कलेक्टर डेटेड 28/12/22 एंड ऑल्सो द डेट ऑफ नोटिफिकेशन
shall be taken into considerations for considering the application of petition. In view of aforesaid submissions, writ petition filed by petitioner is disposed of, directing my tehsildar to consider application in light of order dated 28/12/22 and also to consider date of notification under right to fair compensation 2013. Sir, respondent number 3 hai, tehsildar Mohan, tehsildar Naib tehsildar pe. Naib tehsildar ke paas hi lagi. Ye nahi, respondent number 3, tehsildar respondent number 3. Respondent number 3. Main another submission mila. Yes. वहां पर जो लैंड एक्वायर हुई है तो अर्लियर लोगों को जिनके जिनसे हमने परचेस की उनके नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, उसका कंपनसेशन है वो उनको देने की बात हो रही, तो तब तक ये हो जाए तब तक तहसीलदार हमारा इसको डिसाइड नहीं कर लेता, उसको कंपनसेशन का डिस्ट्रीब्यूशन रोक दिया जाए, हमको भी ना दिया जाए जब तक हमारा नाम नहीं आता, तो एक नई फिर मुकदमेबाजी शुरू होगी, जिनके नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो ले जाएंगे। अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर इज डायरेक्टेड टू डिस्पर्स द कंपनसेशन अमाउंट आफ्टर कोटेशन प्रोसीडिंग्स आर एनालाइज्ड बाय तहसीलदार।